नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पेशल और मैं हूं आपके साथ प्रीति। देश विदेश में लाखों भक्तों की असीम आस्था का पुंज है श्याम बाबा। कई नामों से पूजे जाते हैं, वे शिष्य के दानी और लखदातार भी हैं। वे खाटू नरेश हैं और नीले घोड़े के सवार भी हैं। वो मोनू वंदन है और हारे का सहारा भी। वे बरवृक भी हैं और खाटू श्याम सरकार भी। कलयुग में श्री कृष्ण के अवतार के रूप में पूजित खाटू श्याम का भव्य मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। पौराणिक कथाएं इसे महाभारत काल से जोड़ती हैं। शिष्य के इस दानी के समक्ष लाखों भक्तों के सिर झुकते हैं। यहां पर 17 से 26 मार्च तक होली मेला रहता है। एकादशी के दिन लाखों भक्त खाटू श्याम सरकार के दर्शन करेंगे। आइए जानते हैं खाटू श्याम जी का पौराणिक इतिहास और उनकी महानता। महाभारत में लक्षागृह षड्यंत्र के बाद पांडव की मुलाकात वन में हिडिंबा नामक राक्षसी से हुई थी। भीम का रूप देखकर हिडिंबा उस पर मोहित हो गई। हिडिंबा के भाई और माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडिंबा का गंधर्व विवाह हुआ। हिडिंबा गर्भवती हुई तो उसने बलशाली पुत्र घटोत्कच को जन्म दिया। युवा घटोत्कच का विवाह प्रागजीय ज्योतिषपुर में मुरदेती की बेटी कामकंटका से हुआ। कामकंटका को मोरवी कहा जाता है। कुछ समय बाद घटोत्कच का पुत्र हुआ। उसके शरीर के समान सुंदर केश थे, इसलिए इसके नाम पे बरवृक रखा गया। महाप्रागर ने बरवृक में और बल की प्राप्ति के लिए देवियों की आराधना की। उसे तीन ऐसे दुर्लभ और दिव्य तीरों का वरदान पाया जो अपने दुर्गम से दुर्गम लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। देवियों की आज्ञा से बरवृक वहीं निवास करने लगा। तब मगध देश में विजय नामक ब्राह्मण वहां आए और 7 शिवलिंगों की पूजा की। स्वप्न में ब्राह्मण को देवी ने कहा कि सिद्ध माता के सामने आंगन में साधना करो, बरवृक तुम्हारी सहायता करेंगे। तब बरवृक ने साधना में बाधा उत्पन्न करने वाले असुरों को यमलोक भेज दिया। इससे प्रश्न हो कि नागों के राजा वासुकी ने वर मांगने को कहा, तो बरवृक ने युद्ध में विजयी होने का वरदान मांगा। महाभारत युद्ध में भाग लेने के इरादे से बरवृक नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर जाने लगा। तब माँ ने वचन लिया कि जो कमजोर होगा या जो पक्ष हार रहा होगा तुम उसके पक्ष से लड़ोगे। श्री कृष्ण जानते थे कि कौरवों की हार निश्चित है। ऐसे में यदि बरवृक उनकी ओर से लड़ेगा तो महाभारत युद्ध का निर्णय कुछ और हो सकता है। तब वे गरीब ब्राह्मण के रूप में बरवृक के सामने आए। अनजान बन के उन्हें पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो। जवाब में बरवृक ने बताया कि वो एक दानी योद्धा है। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम अपने 3 तीरों से युद्धों में क्या कर सकते हो। बरवृक ने कहा ये दिव्य बाण है, श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो बरवृक ने एक बाण चलाया जिससे पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गया। एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे था, इसलिए बाण पैर के ऊपर आकर ठहर गया। बरवृक ने कहा कि आप पैर हटा लें वरना यह पैर भेद देगा। श्री कृष्ण बरवृक की क्षमता से हैरान थे और किसी भी तरह उसे युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। श्री कृष्ण ने बरवृक से कहा कि तुम तो बड़े पराक्रमी हो, मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे। बरवृक ने जब दान मांगने के लिए कहा तो उन्होंने बरवृक से उसका शिष्य मांग लिया। बरवृक समझ गया कि यह ब्राह्मण नहीं कोई और है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देव आप अपना वास्तविक परिचय दे। तब श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया तो बरवृक ने खुशी खुशी शिष दान देना स्वीकार कर लिया। शिष दान से पहले बरवृक ने श्री कृष्ण से महाभारत युद्ध देखने की इच्छा जताई, इसलिए श्री कृष्ण ने बरवृक के कटे शिष्य को युद्ध अवलोकन के एक ऊंचे पहाड़ पर पीपल के पेड़ स्थापित कर दिया। श्री कृष्ण ने प्रश्न होकर बरवृक के उसके कटे सिर को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजित होगे। तुम्हारे स्मरण और दर्शन मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा और उन्हें धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होगी। महाभारत के युद्ध में विजयश्री प्राप्त होने के बाद पांडव जीत का श्रेय लेने हेतु वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बरवृक के शिष्य कर सकता है क्योंकि उन्होंने पूरा युद्ध देखा है। तब बरवृक के शिष्य ने बताया कि मुझे तो युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता नजर आया जिससे कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे।